बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैंपियन ट्रॉफी अलजर कुरैशी और शफीक खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी 2021 उस्मान शाह की सरजमीन पर सज गया है जी मेला। आज होंगे आमने सामने फाइटर 11 और वकील मला होंगे आमने सामने। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि फाइटर 11 की तरफ से दो गेस्ट प्लेयर हैं, जो मैं आपको नाम बताता हूं। एक है वाजिद मियां और दूसरा है अली हैदर चांग। और वकील मला की तरफ से जो खेल रहे हैं वो हैं अंसर कुरैशी और शब्बीर पठान। रहमान लगारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमान लगारी आज जल्दी लाइव हो रहा है जी भाई, आज दो मैच हैं इसलिए जल्दी स्टार्ट किया है। सामने अली नवाज, फाइटर 11 के दोनों बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। बॉलर है रियाज, पहले ओवर की जिम्मेवारी दी है रियाज के हाथों में। सामना करें, स्ट्राइक पर हैं अली नवाज। रियाज आए, गेंद की अंपायर को क्रॉस किया, शॉट खेला है, पहली ही गेंद पर उठाकर खेला है, गेंद है हवा में, कोई भी फील्डर मोड नहीं और फील्डिंग सिर्फ एक रन की ही कॉल थी। चैंपियन ट्रॉफी 2021 उस्मान शाह की सरजमीन पर मुकाबला नंबर है 17, फाइटर 11 वर्सेस वकील मला है आमने सामने। अब स्ट्राइक पर आए हैं वाजिद, बॉलर है रियाज। फाइटर 11 ने टॉस जीतकर पहले की है बल्लेबाजी का फैसला। बॉलर है रियाज, सामना करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला है वाइड बॉल। स्पाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 2 पे। सर्कल के हैं 3 ओवर, पहला ओवर है जारी। हेलो हेलो, अख्तर के अभी किसका मैच है, अभी फाइटर 11 और वकील मला है आमने सामने। रियाज एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, शॉट खेलने की यहां पर कोशिश की जिसमें रहे नाकाम, गेंद गई सीता कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। आवाज और रिजल्ट का बताते जाए, मैच को ज्यादा करते जाए शेयर। रियाज एक मरतबा फिर सामने है वाजिद, अंपायर को क्रॉस किया, उठाकर इस मरतबा खेल लिया एक्स्ट्रा कवर में और गेंद गई है बहुत ही दूर 6 रन के लिए। पहला बल्ले मैक्सिमम निकला है वाजिद मेयो के बल्ले से, काफी खतरनाक प्लेयर है वाजिद मेयो। बॉलर है रियाज, सामना करे, स्ट्राइक पर है वाजिद मेयो। हम एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको उठाकर खेलना चाहते थे जिसमें रहे नाकाम, और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। करीम दाद कलो, अस्सलाम वालेकुम, अदा केड़ा हाल है ने? माशाल्लाह आज जल्दी मैच हले पे जी, अदा वालेकुम सलाम जी, अदा आज ब मैच इन करे जल्दी मैच स्टार्ट करना पे। यार एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको एक मरतबा फिर से उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर पे, वो गेंद गई है बहुत ही दूर 6 रन के लिए। दूसरा मैक्सिमम निकला है वाजिद मेयो के बल्ले से, आते ही वाजिद मेयो ने लाठी चार्ज कर दी है। रियाज है बॉलर, सामना है, स्ट्राइक पर है वाजिद में हो। एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, दिफाई अंदाजा करके आया, फील्डर है मौजूद सर्कल के अंदर और ये कैच को यहां पर कर दिया है जी ड्रॉप, कैच को यहां पर कर दिया है ड्रॉप और नया जीवन दान मिला है यहां पर वाजिद मेयो को। अगर ये कैच करोगे ड्रॉप तो मैच से ही हाथ धोना पड़ेगा।
बहुत ही बड़ी विकेट थी वाजिद मेओ की, उसका आसान सा कैच यहां पर ड्रॉप हुआ है सर्कल वाले फील्डर के हाथों में से। सुल्तान अली मेरी कहते हैं सलाम अदा, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। बॉलर तेज है बहुत, अख्तर निजाम लगा रही अपडेट भाई। पहला ओवर है जारी, पहले ओवर में अभी तक पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 15 पे 15 है स्कोर। पहला ओवर आरिफ है बॉलर, सामना कर रहे हैं जावेद में, दूसरे ओवर की जिम्मेवारी दी आरिफ के हाथों में, फिर अंपायर को क्रॉस किया, गेंद दी है ऑफ लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा है वाइड बॉल, वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 16 पे। सर्कल का दूसरा ओवर है जारी, दूसरे ओवर की जिम्मेवारी दी है वाजिद के हाथों में, सामना कर रहे हैं जावेद मेयो। एक मतलब फिर अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद जिसको उठाकर खेल दिया है ऑफ स्टंप पर, गेंद गई है इस मतलब बहुत ही दूर, गेंद जाएगी 6 रन के लिए, नहीं सॉरी अंपायर का इशारा मिला के 4 रन के लिए। वाजिद मेओ है काफी खतरनाक, जिसका कैच अभी अभी कैच ड्रॉप कर चुके हैं। आसिफ जोर मैं भी देख रहा हूं, थैंक यू वेलकम। एक मरतबा फिर सामने है वाजिद, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको उठाकर खेल दिया है लेग स्टंपर, गेंद गई है इस मरतबा भी बहुत ही दूर 6 रन के लिए, तीसरा मैक्सिमम निकला है वाजिद मेओ के बल्ले से। आखिरी बॉल पर वाजिद को मिला था आसान सा, और एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सामने है वाजिद मेओ, शॉर्ट पिच गेंद थी दिफाई अंदाज अख्तियार किया, सीधा फील्डर के हाथ में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। सर्कल का दूसरा ओवर है जारी, दूसरा ओवर है जारी, पहली बारी का एक मरतबा फिर सामने है वाजिद मेओ, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, यहां पर अपील की है बहुत ही बड़ी अपील की है, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा मिला के यार नॉट आउट है वाजिद मेओ। आपस में सलाम मशवरा कर रहे हैं दोनों अंपायर, एक तरफ है मेजर सोहेल और दूसरी तरफ है नईम आजाद जोर, अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है कि ये आउट है या नॉट आउट। दोनों अंपायरों ने सलाम मशवरे के बाद आखिरकार ये फैसला दिया कि ये वाजिद मेओ है नॉट आउट। सुल्तान अली मेरी कहते हैं कि जूम थोड़ा कम करो, सर्कल का दूसरा ओवर है जारी, यार बताना जूम का। आरिफ है बॉलर, सामने है वाजिद मेओ, एक मतलब फिर अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला है यहां पर वाइड बॉल, सर्कल का दूसरा ओवर है जारी। सुल्तान अली मेरी भाई अभी जूम का बताना, आरिफ एक मतलब अभी सामने है वाजिद मेओ, अंपायर को क्रॉस किया, सीधा लगी है जिस्म पर, यहां पर लीगल हेड डिलीवरी, अंपायर का इशारा मिला है कि लीगल हेड डिलीवरी, कोई रन्स नहीं है, लेग बाय के रन्स चुराना चाहते थे वाजिद मेओ लेकिन अंपायर ने को कैंसिल कर दिया रन्स को। बिलावल तो कहते हैं भाई आज दो मैच हैं क्या, जी भाई बिल्कुल आज दो ही मैच हैं, पहला मैच है फाइटर 11 और वकील मल्ला, दूसरा मैच होगा आरिफ एक मरतबा फिर सामने है वाजिद मेओ, उठाकर एक मरतबा खेल दिया है लेग स्टंपर, गेंद गई है बहुत ही दूर 6 रन के लिए। छोड़ो भाई अभी भी कैच छोड़ो, कैच छोड़ोगे तो यह नतीजा आपके सामने है, सजा तो मिलेगी ही भाई। दूसरा मैच किसका है भाई, दूसरा मैच भी है फाइटर 11 और उसका है मीर 11 टंडोजाम का, फाइटर 11 के दोनों मैचेस अभी हैं, पहला मैच अपना खेल रही है और उसके बाद है दूसरा मैच फाइटर 11 का मीर 11 टंडोजाम के साथ। 36 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तालिब हुसैन मेओ राजपूत कहते हैं भाई वाजिद मेओ कहाँ के भाई, ये है शिकारपुर के,
सर्कल के आखिरी ओवर की जिम्मेवारी दी है अरशाद के हाथों में। अंपायर को क्रॉस किया, शार्ट पिच गेंद थी, काफी लेग स्टंप से काफी बाहर, बॉल अंपायर का इशारा मिला, यहां पर वाइड बॉल। अरशाद एक मरतबा फिर सामने है, फील्डर है मौजूद, गेंद है हवा में, फील्डर थे काफी डीप, सीधा फील्डर के हाथों में, सिर्फ एक रन की थी कॉल। सुल्तान अली मेरी कहते हैं कि विकेट आधी नजर आ रही है, बॉलर ने हमारे पास तो बिल्कुल क्लियर है। तालिब हुसैन मियो कहते हैं कि भाई वाजिद मियो कहाँ हैं, कहाँ के हैं भाई, ये हैं शिकारपुर के। बॉलर हैं इरशाद, सामने हैं वाजिद मियो, एक मिनट फिर अंपायर को क्रॉस किया, उठा कर इस मतबा खेल दिया है लेग स्टंपर, गेंद गई है बहुत ही दूर, छह रन के लिए चांस दो भाई, अभी कैच और कैच ड्रॉप करो। वाजिद मियो के काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं, वाजिद मियो अगर चांस दोगे तो उसका नतीजा तो लेगा ही, नतीजा आपके सामने है। एक मरतबा फिर सामने है वाजिद मियो, अंपायर को क्रॉस किया, दिफाई अंदाज अख्तियार किया, सीधा बॉलर के हाथ में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, निजाम लिगारी आपकी मोबाइल का मसला है भाई, अब मोबाइल है आज नया, अब कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं भाई। फिरोज अली सलाम, आसिफ साई, साई आसिफ भाई, आसिफ नहीं हुआ है। अरशद एक मतलब फिर से उठा कर खेला है, लेकिन समझ गेंद गई है बहुत ही दूर, छह रन के लिए। फेरोज अली कहते हैं सलाम साई आसिफ, फेरोज मैं आसिफ नहीं, मैं हूं अरशद हुसैन जौर। एक मरबा पे सामने है वाजिद में, अंपायर को क्रॉस किया, एक मरबा फिर से उठाकर खेला है, स्टेड पर गेंद गई है इस मरबा भी बहुत ही दूर, स्टेडियम के ही बाहर, छह रन के लिए। तारीफ करनी होगी वाजिद की, लाजवाब तारीफ। तो मिर्जा आतिफ मिर्जा कहते हैं आज दो मैच हैं क्या भा, जी भाई बिल्कुल आज दो मैच हैं। एक मरतबा फिर सामने है वाजिद मियो, एक मरतबा फिर शॉट खेला है, गेंद है हवा में, फील्डर है मौजूद, और यहां पर भी कैच को कर दिया है ड्रॉप, दूसरा जीवन दान मिला है वाजिद मियो को, दूसरा कैच यहां पर ड्रॉप हुआ है थर्ड मैन पे, थर्ड मैन वाले फील्डर जज ना कर पाए और गेंद गई चार रन के लिए। सुल्तान अली मेरी कहते हैं ओके है, फिरोज अली अरशद तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 56 पर, तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 56 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, फाइटर 11 फिरोज अली। अरशद भाई क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज भाई, आप सुना आपके क्या हाल है भाई। तालिब हुसैन मियो राजपूत जबरदस्त, वाजिद मियो जी भाई उसके दो दो चांस मिले हैं, बॉलर हैं शबीर, चौथे ओवर की जिम्मेवारी दी है शब्बीर के हाथों में, चौथे ओवर की जिम्मेवारी दी है शब्बीर के हाथों में। लाला शब्बीर पठान है, लाला शब्बीर पठान है बाला, चौथे ओवर की जिम्मेवारी दी है लाला बिर के पठान के हाथों में। अंपायर को क्रॉस के ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर को इशारा मिला है यहां पर वाइड बॉल। फिरोज अली सब खैर बात, थैंक यू। लाला शब्बीर एक मरवा फिर सामने है, शॉट खेला है, ड्राइव कर दिया है स्टेड पे, फील्डर है मौजूद, सिर्फ एक रन की है कॉल। प्रिंस अत्ता खान शब्बीर बेस्ट ऑफ लक, करीम दाद कलो यादा कैच छॾण जा नतीजान, जी भाई जी वाह बिल्कुल, कैच छॾण जा या नतीजान, बब कैच ड्रॉप कर चुका आहिनि वाजिद मियो, काफी खतरनाक प्लेयर है वाजिद मियो। लाला शब्बीर पठान है, सामने है वाजिद मियो, अंपायर को क्रॉस किया, उठाकर खेला है लेग स्टंपर और गेंद गई है बहुत ही दूर, छह रन के लिए। दो कैच जरूर में उसके ड्रॉप हुए वाजिद मियो के, लेकिन उसके बाद क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वाजिद मियो का, इसके साथ साथ अपनी 50 भी मुकम्मल कर चुके हैं
वाजिद में हो, लाला शबीर पठान एक मरतबा फिर सामने है वाजिद में हो, फिर से शॉट खेला है, गेंद हवा में, फील्डर है मौजूद सर्कल के अंदर और ये जाना होगा यहाँ पर। वाजिद मेओ की इनिंग का हुआ है यहाँ पर खात्मा, शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती से टॉप एज हो गया और गेंद गई सीधा सर्कल वाले फील्डर के हाथ में। यहाँ पर वाजिद मेओ की इनिंग का हुआ है खात्मा और जाना होगा वाजिद मेओ को वापस पवेलियन। प्रिंस अत्ता खान वाजिद ग्रेट बैट्समैन, प्रिंस अता खान वाह शब्बीर, जुल्फकार अली सलाम बा, वालेकुम सलाम बा, वालेकुम सलाम। बहुत ही बड़ी मछली फंसाने में हुए हैं कामयाब, जिस काम के लिए उसको कप्तान लाए थे वकील मल्ला के, वकील मल्ला जिस काम के लिए उसको लाए थे उसका वो अपना काम कर दिखा लाला शब्बीर पठान ने। आवाज और रिजल्ट का बताते जाए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा करते जाए शेयर। आसिफ जोन की आईडी पे चल रहा है और दूसरा चल रहा है नूनारी टैप बॉल क्रिकेट, टैप बॉल क्रिकेट पे हमारे साथ है नूर मोहम्मद नूनारी, लेजेंड कमेंटर नूनारी टैप बॉल क्रिकेट पे। लाला शबीर पठान एक बार फिर फुटास गेंद जिसको उठा कर खेला है लेग स्टंपर, गेंद गई है बहुत ही दूर, छह रन के लिए आते ही स्वागत के पहली गेंद पर उठा कर खेला है लेग स्टंपर, गेंद गई है छह रन के लिए, पहला मैक्सिमम निकला है। नया आने वाले बल्लेबाज अली हैदर चांग, लाला शब्बीर पठान एक बार फिर से उठाकर यहां पर खेलना चाहते थे, बीच कर गए, गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, अच्छी वापसी की है लाला शब्बीर पठान ने, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अली हैदर चांग है बैट्समैन है, लाला शब्बीर पठान है बॉलर। एक बार फिर लाला शब्बीर पठान सामने है, हैदर चांग ड्राइव कर दिया है, फील्डर है मौजूद, सिर्फ एक रन की है कॉल। आसिफ जमाली जूम करो भाई, जूम कितना करो, अभी विकेटों के साथ ही खड़ा हुआ है आसिफ, हाँ बुधाई आसिफ हूँ बुधाई, चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 66 पे, चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 66 पे एक विकेट के नुकसान पर फाइटर 11। पांचवा ओवर की जिम्मेदारी वैसे दी है रियाज का, तुम्हें जो अपने कोटा का दूसरा ओवर इनिंग का कराएंगे। पांचवा ओवर सामने अली हैदर चांग, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट खेलेंगे ये थे, इसमें रहना काम, गेंद लगी सीधा जिस्म पर, किसी रन, सिर्फ एक रन की है कॉल, एक रन मिलेगी लेग बाय की। अदा पंहिंजी ज़िंदगीअ में अहिड़ो वॾो टूर्नामेंट न ॾिठो आहे, माशाला बहितरीन टूर्नामेंट, माशाला सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच करीमदाद कलोई। रियाज नवाज है सामने और गेंद को खेलने गए थे, इसमें रहे नाकाम, गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। आसिफ जमाली ओके अब सही है, थैंक यू। रियाज एक मरबा फिर पर को क्रॉस किया, नवाज है सामने, शॉट खेला है स्ट्रेट पर, ड्राइव कर दिया है, फील्डर है मौजूद, सिर्फ एक रन की है कॉल, ग्राउंड शॉट है। बॉलर है रियाज सामने स्ट्राइक पर हैं अली हैदर चांग, एक मरबा फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, झाड़े एज निकली और फील्डर हैं काफी डीप थर्ड मैन वाले, अगर थोड़ा करीब होते तो कैच हो सकता था अली हैदर चांग का, फील्डर काफी डीप थे, सीरंस का कोई इजाफा नहीं। सुदला मेमन हाय, दिलशाद बालादी नाइस, एक मरतबा फिर सामने है अली हैदर चांग, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर दी गेंद, यहां पर अंपायर का इशारा मिला, यहां पर वाइड बॉल, आवाज और रिजल्ट का बता दें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते जाएं। एक मरवा फिर सामने है अली हैदर चांग, ऑफिस पर एज लगी और ये अली हैदर चांग को भी जाना होगा वापस पवेलियन, बहुत ही बड़ी मछली फंसाने में यहाँ पर हुए हैं कामयाब।
रियाज बहुत ही बड़ी विकेट लेने में हुए हैं यहाँ पर कामयाब। जिस काम के लिए इसको लाए थे वकील मल्ला, वो अपना काम कर दिखाया और अली हैदर चांद को कर चलता किया वापस पवेलियन। दूसरा नुकसान हुआ है यहाँ पर फाइटर 11 को अली हैदर चांद की सूरत में। मेहमान गुडलक, जुल्फकार अली, जुल्फकार अहमद, निजामानी। जूम करो भाई, कितना जूम करो, जूम अभी किया तो है भाई, देखो थोड़ा चेक करो। नए आने वाले बल्लेबाज हैं शहरयार, शहरयार हैं नए आने वाले बल्लेबाज। बॉलर हैं रियाज, अली हैदर को, अली हैदर की विकेट ले चुके हैं। एक मरवा फिर से अड़केला है, थर्ड मैन पे गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से उस पर, चार रन के लिए पहला मैक्सिमम निकला यहां पर। शहरयार पहोड़ के बल्ले से पहला चौका निकला यहां पर। 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 78 पे, 5 ओवर इज गॉन 75 for 2। 55 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर पहुंचा है 75 ते, बिन विकेट के नुकसान ते। अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद जिसको उठा कर खेला है, लेकिन समय गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, गेंद गई है 6 रन के लिए, गेंद को भेज दिया है जी 6 रन के लिए। सिक्स ओवर लेकर आए हैं आरिफ, आरिफ एक मरवा फिर बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। शाहिद पर अली हसन, एक मरवा फिर अली नवाज, शॉट खेला, ड्राइव कर दिया स्टंट पे, फील्डर है मौजूद, ग्राउंड शॉट है, सिर्फ 1 रन की कॉल है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए आरिफ एक मरतबा फिर सामने है शहरयार, अंपायर को क्रॉस किया, खाकर खेला है स्टंट पे, फील्डर है मौजूद, लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। पहला मैक्सिमम निकला यहां पर शहरयार के बल्ले से। आरिफ है बॉलर, छठा ओवर है जारी, मैच नंबर है 17। एक मरतबा फिर सामने है शहरयार, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से उठाकर खेला है, गेंद है हवा में, फील्डर दो फील्डर हैं गेंद के नीचे, और यहां पर कैच को यहां पर कर दिया है जी डॉप, शहरयार को चांस दे दिए यहां पर दोनों फील्डर ने, एक बॉलर थे और दूसरा एक फील्डर थे सर्कल के अंदर, जिन्होंने नई जिंदगी मिली है यहां पर शहरयार को, नया जीवन दान मिला है शहरयार को। वक्का जोर कहाँ चल रहा है ये मैच भाई, ये चल रहा है हैदराबाद सिंध का, कहा है उस्मान शाह, उस्मान शाह मैच चल रहा है, वक्का जोर उस्मान शाह मैच भी चल रहा है। तालिब हुसैन मियो राजपूत भाई, कैमरा सही करें भाई, कैमरा क्या हुआ है कैसे करें भाई, आज तो मोबाइल भी दूसरा है, क्या कर सकते हैं भाई, आज मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, करूँ क्या इसको। आरिफ है बॉलर, अली नवाज है स्ट्राइक पर, एक मरवा फिर अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद जिसको खेल दिया है, फील्डर है मौजूद, ग्राउंड शॉट है, सिर्फ 1 रन की कॉल है। आरिफ एक मरवा फिर सामने है शहरयार, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला यहां पर वाइड बॉल। तालिब हुसैन मियो राजपूत भाई, अब बताना दाहाने सही ले पियो हाने हरु भरु जो प्यार जोन कर लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, इस पर अंपायर का इशारा मिला यहां पर वाइड बॉल।
अलीपुर मियो राजपूत कहते हैं अब सही है भाई, थैंक यू। आवाज और रिजल्ट का बताते जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं। मैच है टक्कर का, दोनों टीमों के में बेहतरीन प्लेयर मौजूद हैं। आरफ शेयर यार है सामने, परुकराज किया है, उठा कर खेला है लेकिन संपर्क गेंद गई है दूर 6 रन के लिए। ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 103, 6 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 103 पे, 6 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा 103 पे, 2 विकेट के नुकसान पर फाइटर 11। सातवें ओवर की जिम्मेदारी लाला शब्बीर पठान क्या को अपने कोटा का दूसरा और इनिंग का कराएंगे 7वां ओवर। सामने है अली नवाज, अंपायर को क्रॉस किया, फुलटॉस गेंद दी, फील्डर है मौजूद, गेंद गई थर्ड मैन पे, फील्डर है मौजूद, सिर्फ 1 रन सी मिलेगी। पकाजोर अदा अलजोर जो मैच कदा है, अलजोर मैच कदा है भा, अलजोर इते असाउंड कोने भा, अलजोर साउंड कानी। शब्बीर पठान है सामने है शहरयार, एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद लिया, एज निकली और गेंद गई है थर्ड मैन पे, फील्डर है मौजूद, सिर्फ 1 रन की कॉल थी। मासूम अली भुट्टो किसका मैच है और कहां है मैच भाई, हैदराबाद सिंध का गांव है उस्मान शाह और मैच है फाइटर 11 और वकील मल्लाह। शब्बीर एक मरतबा फिर शॉट खेला है लेकिन सबर, फील्डर है मौजूद, ग्राउंड शॉट है, सिर्फ 1 रन की है कॉल, बेहतरीन फील्डिंग। लाला शब्बीर पठान एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, सामने है शहरयार, एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद थी, स्लो ओवर गेंद थी और गेंद गई थर्ड मैन पे, फील्डर है मौजूद, सिर्फ 1 रन सी मिलेगी लेग बाय की। शहजाद अली सलाम, वालेकुम सलाम शहजाद, वालेकुम सलाम। लाला शब्बीर पठान एक मरतबा फिर सामने है नवाज, सामने है अली नवाज, अपनी क्रीज छोड़कर बाहर खेले, एज निकली यहाँ पर, फील्डर है मौजूद थर्ड मैन पे लेकिन गेंद को पकड़ नहीं सकेंगे, गेंद जाएगी जी 4 रन के लिए। काफी कोशिश की थी थर्ड मैन वाले फील्डर ने गेंद को पकड़ने की लेकिन उसमें रहे नाकाम और गेंद गई बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रन के लिए। नईम जुनेजो सलाम, वालेकुम सलाम भा, वालेकुम सलाम भाई। आवाज और रिजल्ट का बताते जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं। लाला शब्बीर पठान है बॉलर, सामने है अली नवाज, फुल टॉस गेंद जिसको उठाकर खेला है लेकिन समर, गेंद गई है बहुत ही दूर 6 रन के लिए। सात ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 117 रन, 117। सात ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 117 पे, 7 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 117 पे, 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 117 पे, 2 विकेट के नुकसान पर। आठवें ओवर की जिम्मेवारी दी है राशिद के हाथों में, अपने कोटा का पहला ओवर इनिंग का करेंगे 8वां ओवर। सामने है शहरयार, स्ट्राइक पर है शहरयार, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट पिच गेंद थी जिसको उठाकर खेला है, गेंद है हवा में, 2 फील्डर हैं गेंद के नीचे और ये यहां पर कैच को कर दिया है, जाना होगा यहां पर शहरयार को। शहरयार की इनिंग का हुआ यहां पर खात्मा, आते ही पहली ही गेंद पर विकेट लिया शहरयार की। बालानाला क्या ये बालानाला क्या है राशिद, खबर ही नहीं पड़ी
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੋੜ ਸ਼ਾਟ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਧਮਾਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਕ ਖੇਲੇ ਹੈ ਕਮਲ ਕੀ ਇਨਿੰਗ ਕੱਲ ਲਗੀ ਪੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬੈਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਮਾਕ ਕੇ ਬਲੇ ਤੇ जाम खान मंगजी कहते हैं जूम तो करो भाई, जूम तो है जाम खान, जूम है ना घड़ा करा सर। फिर से उठा कर खेला है, गेंद है बहुत ही ऊपर हवा में, दो फिर तीन फील्डर है गेंद के नीचे और यहां पर कैच को कर दिया है जी ड्रॉप, कैच को यहां पर कर दिया है ड्रॉप और अली नवाज दमाज को मिली है यहां पर चांस। शाहनवाज अली जिस कहानी कहते हैं बेस्ट मैन नेम बशीर होलियो नाइस बिरू नामगान मंगसी नवाज है सामने पर वो क्रॉस किया राशिद बाला शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर पे, गेंद गई है बहुत ही दूर छह रन के लिए। नामगान मंगसी सलाम, किसका मैच है भाई? मैच है आज फाइटर 11 और वकील मल्ला का पहला मैच है। एक मरवा फिर से राशिद बॉलर, स्लो ओवर गेंद थी जिसको उठाकर खेला, गेंद है हवा में, फील्डर है मौजूद और ये कैच कर दिया है, कैच को जी कर दिया और यहाँ पर अली नवाज को कर दिया है वापस पवेलियन रवाना। अली नवाज की इनिंग का हुआ यहाँ पर खात्मा। शाहनवाज अली जिस कहानी हा जिगर तो हाय वसीम बलोच स्कोर भाई, वसीम स्कोर सत्ते और चाह 117 उन अठवा ओवर अलदा बेवल शिवादी स्कोर ओवर खत्म थी मुद्दीन भाई। शानवाद अली जिसका नहीं मैसेज पढ़ता नहीं भाई, पढ़ता तो हूँ थोड़ा मैं खुद बिजी हो गया था। हम कर मक्सी जूम करो, जूम तो करो भाई, इसे करो एसएमएस तो पढ़ो भाई, भाई एसएमएस पढ़े तो हैं आपके जाम खान भाई, मैसेज पढ़ा था ना। आठ ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा 131 पे, आठ ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 131 पे। शॉट खेला है यहाँ पर सिकंदर ने और गेंद को पहली गेंद पर भेज दिया है जी छह रन के लिए। सिकंदर पोहर के बल्ले से पहला मैक्सिमम निकल रहा हुआ इशारे, एक मरवा फिर अंपायर को क्रॉस किया, सामने है सिकंदर, एक मरवा फिर से उठाकर खेला है टू इन रो बैक टू बैक सिक्स, सिकंदर पोहर यू ब्यूटी। अच्छा एक मतलब फिर सामने है सिकंदर, अंपायर को क्रॉस किया लेकिन सबसे काफी बाहर थी गेंद, इस मतलब वाइड होगी जी। मक्सी वकील की टीम में गेस्ट कौन है भाई? वकील की टीम में है अंसर कुरैशी और शब्बीर पठान, लाला शब्बीर पठान। वसीम बलोच कौन अच्छी खेला भाई आपके सामने है? एक तो वाजिद में वो खेल गया, अभी सिकंदर भी खड़े हुए हैं क्रीज पर मौजूद है, पर क्रॉस किया फिर से उठा कर खेला है, गेंद गई यहाँ पर आउट ऑफ द पार्क छह रन के लिए, थर्ड सिक्स ऑफ द ओवर। सद्दाम मल्ला का टारगेट है या फर्स्ट इनिंग भाई? फर्स्ट इनिंग अभी इसने बॉलर सामने है सिकंदर, एक मरवा फिर अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद जिसको एक मरवा फिर से उठा कर खेला और गेंद गई है बहुत ही दूर, चौथा मैक्सिमम निकला है सिकंदर के बल्ले से, फोर्थ सिक्स ऑफ द ओवर। आते ही अच्छा स्वागत किया है सिकंदर पढ़ो ने, चार गेंदों पर चारों मैक्सिमम लगाए में हुए हैं कामयाब सिकंदर पहोड़। एक मरबा फिर हम सिकंदर है सामने, एक मरबा फिर से खेलने की यहाँ पर कोशिश की जिसमें रहना काम, गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, आठवां ओवर है जारी। आमिर अली पिताफी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम आमिर अली पिताफी, वालेकुम सलाम साजिद अली पिताफी, क्या बैटिंग कर रहा है यार सिकंदर आज जी भाई, बिल्कुल चार गेंदों पर चार मैक्सिमम लगा चुका है, फिर से खेला है स्टेट पे, गेंद गई बहुत ही दूर छह रन के लिए, फाइव सिक्स ऑफ द ओवर।
अच्छी क्या बैटिंग कर रहे हैं सिकंदर पोहड़ आते ही पहले ओवर में 5 मैक्सिमम लगाए, 5 यूजुअल लगाने में हुए हैं यहाँ पर कामयाब। आठ ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचे 162 पे, 8 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचे 162 पे, 8 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है। नहीं आने वाले बल्लेबाज हैं नबील, नाइन्थ ओवर लेकर आए हैं राशिद अपने कोटा का, दूसरा और इनिंग का कराएंगे नवा ओवर। सामने स्ट्राइक पर है नबील, राशिद है बॉलर, सामने है नबील, एक फिर अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, वाइड होगा जी, बिल्कुल वाइड है। रईस जमील अहमद गोबांग, व्हाट अ बैटिंग जी भाई, बिल्कुल खेले सिर्फ 6 बॉल स्ट्राइक किया, 6 बॉल पे 5 मैक्सिमम लगाए, उठाकर खेला है, फील्डर है सर्कल के अंदर मौजूद और यहां पर कैच को कर दिया है जी ड्रॉप, नबील को नया जीवन दान मिला, यहां पर कैच को कर दिया है जी ड्रॉप, चांस मिली है नबील को, बॉलर है राशिद। राशिद एक मरतबा फिर सामने है सिकंदर, राशिद एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको खेलना चाहते जिसमें रहे नाकाम और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। राशिद एक मरतबा फिर सामने स्ट्राइक पर है सिकंदर, अंपायर को क्रॉस किया, स्लो ओवर गेंद थी जिसको उठाकर खेला है, लेग स्टंप पर गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। राशिद एक मरतबा फिर सामने है सिकंदर पहोड़, अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको उठाकर खेला है, लेग स्टंप पर गेंद गई है बहुत ही दूर 6 रन के लिए, गेंद को भेज दिया है जी 6 रन के लिए, सिकंदर पहोड़ यू ब्यूटी। 8 गेंदें फेस की और 8 गेंदों में से 7 मैक्सिमम लगाने में हुए यहां पर कामयाब सिकंदर पहोड़। राशिद एक मरतबा फिर सामने है सिकंदर पहोड़, अंपायर को क्रॉस किया, एक मरतबा फिर से उठाकर खेला है, लेकिन समर गेंद गई है स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए, 8वां मैक्सिमम निकला यहां पर सिकंदर पहोड़ के बल्ले से, सिकंदर पहोड़ यू ब्यूटी। नौ गेंदों का सामना किया है सिकंदर पहोड़ ने जिसमें 8 मैक्सिमम लगाने में हुए यहां पर कामयाब सिकंदर पहोड़। राशिद एक मरतबा फिर सामने है सिकंदर, लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, वाइड बॉल होगी जी, बिल्कुल वाइड बॉल है। वसीम बलोच बगैर किट के कैसे खेला भाई, कौन सा बगैर किट के खेला है भाई, वसीम भाई कौन सा बगैर किट के खेला है। राशिद एक मरतबा फिर सामने है सिकंदर पहोड़, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से खेलना चाहते थे जिसमें रहे नाकाम, गेंद लगी है सीधा जिसम पर, फील्डर है मौजूद, सिर्फ 1 रन की है कॉल, सिकंदर पहोड़ रन लेना नहीं चाहते थे लेकिन नबील ने जल्दबाजी की और इसने रन ली। स्कोर किया है फाइटर 11 ने और 184 का दिया है टारगेट वकील मलाह को, चैंपियन ट्रॉफी 2021 उस्मान शाह की सरजमीन पर मैच नंबर है 17। फाइटर 11 और उसके सामने है वकील मलाह, आज फाइटर 11 ने टॉस जीतकर पहले किया है बल्लेबाजी का फैसला, अपने मुकर्रा 10 ओवर्स में 183 बनाए और 184 का दिया है टारगेट वकील मलाह को, 184 का दिया है टारगेट फाइटर 11 ने वकील मलाह को, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, उस्मान शाह की सरजमीन पर पहली मर्तबा है सजा है ऐसा मेला, हर टीम को 2 गेस्ट प्लेयर अलाउ किए गए हैं, ऐसा मेला सजाने में अहम किरदार अदा किया है ऑफिशियल स्पॉन्सर साई हसन शाह और चीफ ऑर्गेनाइजर नईम आजाद जोर, इवेंट में 2 गेस्ट अलाउ किए हैं और मैं कहता हूं कि
ये यंगस्टर के लिए अच्छा मौका है विलेज लेवल के मैच के हिसाब से 184 का टारगेट है। क्या समझते हैं कि 184 चेसीबल टारगेट है इस विकेट पे, लेकिन आप क्या समझते हैं किसके चांसेस हैं अब मैच में? चांस तो बेहतरीन फाइटर नजर आ रहे हैं क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा है और ये पिच जो है माशाल्लाह बैटिंग पिच है हमारी, इनके पास भी अच्छा राउंडर है। की विकेट है मेरे हिसाब से नीम आजाद अंजर कुरैशी की विकेट है, और अगर अंजर कुरैशी चल जाते हैं तो टारगेट कैसी बल है। अगर अंजर कुरैशी आउट हो जाते हैं तो बिल्कुल फिर चिड़िया चुग सकती है खेत। ठीक बिल्कुल जी, अंजर कुरैशी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है यहाँ पर, अल हुसैनी की नुमाइंदगी करते हैं, कमाल के प्लेयर हैं हार्ड बॉल और टेप बॉल के। अंजर कुरैशी है बैटिंग साइड में, 184 का टारगेट दिया है फाइटर स्टार ने। अगर अंजर की चल पड़ती है गाड़ी तो बिल्कुल जी टारगेट कैसी बल है, नहीं तो फिर वही बात के भाई चिड़िया चुग सकती है। ये थे हमारे प्यारे लेजेंड कमेंटेटर नूर मोहम्मद इनवारी, जो के मुखातिब थे टूर्नामेंट चीफ ऑर्गेनाइजर नईम आजाद जोन के साथ। साजिद अली कहते हैं कि गेस्ट कौन से हैं भाई? गेस्ट हैं भाई फाइटर 11 की तरफ से खेल रहे हैं वाजिद मेओ और अली हैदर चांग, वकील मला की तरफ से खेल रहे हैं अंसर कुरैशी और शब्बीर पठान, लाला शब्बीर पठान। चैंपियन टॉफी 2021 का मैच नंबर है 17, फाइटर 11 और उसके सामने है वकील मला। फाइटर 11 ने टॉस जीतकर पहले किया है बल्लेबाजी का फैसला, अपने मुकर्रर 10 ओवर्स में 183 स्कोर किया और 184 का दिया यहां पर टारगेट वकील मला को। टारगेट का यहां पर पहाड़ खड़ा कर दिया है वकील मला के लिए। देखते हैं कि आपने अब टारगेट चेस करने में कामयाब हो सकती है या नहीं। उस्मान शाह की सरजमीन पर ऐसा मेला सजा है पहली मर्तबा, हर टीम को दो गेस्ट प्लेयर अलाउ किए गए, हर छोटे बड़े शहर किसी भी शहर से उठा सकते हो दो गेस्ट प्लेयर, चाहे हैदराबाद हो, टंडोजाम हो, टंडोलयार हो, मीरपुर हो, लाड़काना हो, जिकमाबाद हो, कश्मोर हो, कंदकोट हो, कोई से भी किसी भी शहर से, सिंध के किसी भी शहर से दो गेस्ट प्लेयर उठवा सकते हैं। सदा जान सलाम वालेकुम सलाम अख्तर दिल शेर, हा 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 हा, खिलो बाबा खिलो। मोहम्मद अली जोर, क्या हुआ भाई, एक इनिंग खत्म हो चुकी है, अब दूसरी इनिंग की है तैयारी, 184 का है टारगेट। अख्तर पीछे, किसका मैच है पीछे भाई? मैच है फाइटर 11 का और मीर 11 टंडो जाम का। जिस भी स्पॉन्सर ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए ऐलान किए वो मैं आपको बताता हूं। पर है बिग सिक्सर, बिग सिक्सर ने एक बैट और दो शर्ट्स देने का ऐलान किया है टूर्नामेंट कमेटी को। ट्रिपल ए की तरफ से एक बैट और दो शर्ट्स देने का ऐलान किया है टूर्नामेंट कमेटी के लिए, और उसके बाद है MA82 मोहसिन भाई, जिन्होंने एक शूज और पांच शर्ट्स देने का ऐलान किया है टूर्नामेंट कमेटी के लिए। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट कमेटी के लिए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के लिए। हसन रजा पे तावे कहते हैं किसने अच्छी बैटिंग की भाई? वाजिद मेओ ने बैटिंग अच्छी की, और उसके बाद सिकंदर पोहड़ ने जिन्होंने 9 गेंदे फेस की थी जिसमें 8 मैक्सिमम लगाने में हुए थे कामयाब सिकंदर पोहड़। सद्दाम महर, हाँ भाई, हाय भाई हसन दे तो अजमत हसन लगारी तैमूर मिर्जा की टीम में हैदा नहीं भाई, यहाँ पर तैमूर मिर्जा नहीं है, तैमूर मिर्जा है पंजाब के, यहाँ पर सिंध, सिर्फ सिंध के दो गेस्ट प्लेयर अलाउ किए गए हैं।
वकील मला के दोनों ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। एक मरतबा फिर से मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ, जिस जिस स्पॉन्सर ने यहाँ पर टूर्नामेंट कमेटी के लिए ऐलान किया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले है बिग सिक्स सर, जिन्होंने एक बैट और दो शर्ट देने का ऐलान किया है। उसके बाद है ट्रिपल ए की तरफ से एक बैट और दो शर्ट देने का ऐलान किया है। उसके बाद है MA82 की तरफ से शूज और पांच शर्ट्स देने का किया है ऐलान। वकील मला के दोनों ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं, पिच पर पहुंच चुके हैं अंसर कुरैशी। और चिंता हो सकती है फाइटर लोन के लिए, अंसर कुरैशी है स्ट्राइक पर। अली हैदर है बॉलर, अली हैदर चांग है बॉलर जो कि गेस्ट प्लेयर है फाइटर 11 की तरफ से। डेंजर बल्लेबाज हैं अंसर कुरैशी। अली हैदर टू अंसर, दोनों गेस्ट प्लेयर है, एक वकील मला की तरफ से और दूसरा है फाइटर 11 की तरफ से। अली हैदर चांग है बॉलर, इसका सामना करेंगे अंसार कुरैशी। हैवी गो, बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। पहला ओवर है जारी, पहले ओवर की स्टार्टिंग। हैवी गो, अली हैदर चांग, अली हैदर चांग को आउट खेलेंगे कोशिश की, जिस समय लगी है सिर्फ एक रन की कॉल है। फील्डर है मौजूद सर्कल के अंदर, यहाँ पर रन आउट की कोशिश की है लेकिन क्रीज पर पहुंच चुके अंसर कुरैशी। अब स्ट्राइक पर आए हैं इरशाद अली, अब सामना करेंगे इरशाद अली हैदर चांग है बॉलर, सामने है इरशाद। अंपायर को क्रॉस किया, शॉट भी गेंद खेल दिया है ऑफ स्टंप पर, फील्डर मौजूद सर्कल के अंदर, दौड़ते हुए गए लेकिन सिर्फ दौड़ ही सकते हैं लेकिन गेंद को पकड़ नहीं सकते, गेंद जाएगी चार रन के लिए। पहला चौका निकला है यहाँ पर इरशाद के बल्ले से, इरशाद के बल्ले से पहला चौका। राशिद खान ज़ादा सलाम डियर, वालेकुम सलाम राशिद भाई, वालेकुम सलाम। शान दे तो किसका मैच है भाई, मैच है फाइटर 11 और वकील मल्लाह का। जमशेद संदीलो बा टारगेट का कितना है, टारगेट है 184 का, हमने इरशाद और यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया इरशाद को। पहली बॉल पे चौका जरूर लगाया था, उसके बाद चलता किया यहाँ पर इरशाद को अली हैदर चांग ने। पहला नुकसान पहुंचाए पर वकील मल्ला को इरशाद की सूरत में, इरशाद सूरत पहली गेंद पर चौका जरूर लगाने में कामयाब हुए, उसके बाद क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौटे। जमशेद सदिलो टारगेट कितना भाई, टारगेट है 184 का। शांडे तो थैंक यू जानी, वेलकम। सदा महर वाजिद को सलाम दो, इस के विलेज का हूँ। बस सदा महर तो सलाम देता है, आपके सलाम दे दिए सदा महर, बात तहां जा सलाम दे छले आसे सा गड मौजूद बीच ला यार स्टूडियो में सा गड मौजूद है वाजिद में हो। ये देख सकते हैं आपके सामने है भाई वाजिद, 16 बॉल करेंगे बॉल, दो बॉल हो चुकी है, चार रन आए और विकेट गवाई है वकील मला 11 ने। तीसरा बॉल डालेंगे आरिफ करेंगे जिस टाइप, नए आने वाले बल्लेबाज हैं आरिफ, बॉलर है अली हैदर चांग, F16 बॉलर अली हैदर चांग, सामने है आरिफ। अली हैदर बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े, पहला ओवर है जारी, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट खेलेंगे थे यहाँ पर इसमें रहे नाकाम और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। चांडे तो आज के मैच नीचे है या दो, आज एक मैच है या दो भाई, आज दो मैच है, आज बह मैच है। अली हैदर एक मरवा फिर अंपायर को क्रॉस किया, फुटाल गेंद सीधा लगी जिस पर किसी रन का कोई इजाफा नहीं,
एफ 16 बॉलर है भाई अली हैदर चांग, इसको खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आरिफ है स्ट्राइक पर, बॉलर है अली हैदर चांग। एक मरतबा पर अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, गेंद लगी जिसम पर, गेंद के सर्कल वाले फील्डर के हाथ में, यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई, एक रन की कॉल, दूसरी भी यहाँ पर रन मुकम्मल कर लिए, मिस फील्डिंग जरूरी, उसका भरपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और दो रन से यहाँ पर मुकम्मल किया, पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचाए 7 स्कोर, एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचाए 7 पे 1 विकेट के नुकसान पर। वकील मल्ला शान ने तो भाई, जी भाई जी भाई, शान ने तो दूसरा किसका मैच है भाई, दूसरा मैच है एक फाइटर 11 और मीर 11 टंडोजाम का। अख्तर जूम कर, अख्तर हूँ बुधाई, अब बताना भाई जूम का बताना, दूसरे ओवर की जिम्मेवारी है वाजिद मेओ के हाथों में, अपने कोटा का पहला ओवर इनिंग का करेंगे दूसरा ओवर। वाजिद मेओ सामने है, अंसर कुरैशी स्ट्राइक पर है, अंसर कुरैशी, वाजिद मेओ है बॉलर, दौड़ते हुए आए अंपायर को क्या करा, स्लो गेंद थी, जिसम में खेलने की यॉर्कर डिलीवरी थी, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अवेश कोरी हाउ टू गेट टू रियाज अहमद खोसो, जूम करो भाई, जूम किया तो अब बताना भाई, अब बताना सिकंदर अली गोपां के कौन सी टीम है भाई, टीम है फटेल 11 वकील मल्ला, स्लो ओवर गेंद जिसको उठा करके ले आंसर कुरैशी ने, गेंद को भेज दिया है जी 6 रन के लिए, पहला मैक्सिमम निकला है आंसर कुरैशी के बल्ले से। सिकंदर अली गोपां वाले कौन सी टीम है भाई, एक टीम है फाइटर 11 और दूसरी टीम है वकील मल्ला, फाइटर 11 अपनी इनिंग खेल चुकी है। वाजिद में एक मरवा फिर सामने है, आंसर कुरैशी अंपायर को क्रॉस किया, फिर से शॉट के लिए ग्राउंड शॉट है, फील्डर है मौजूद, सिर्फ 1 रन की है कॉल, अच्छी वापसी की है वाजिद मेओ ने। तो बाबर हाय, हाय टू यू, आरिफ है स्ट्राइक पर, वाजिद मेओ है बॉलर, दूसरा ओवर है जारी, एक मरबा फिर बॉलिंग के बिल्कुल तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, स्लोअर गेंद जिसको ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर पे और गेंद इस मरबा जाएगी 4 रन के लिए। वाजिद एक मरबा फिर बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, स्ट्राइक पर है आरिफ, चैंपियन ट्रॉफी 2021 का मुकाबला नंबर है 17, फाइटर 11 और वकील मल्ला है आमने सामने। फाइटर 11 की तरफ से 2 गेस्ट प्लेयर जो खेल रहे हैं वो हैं वाजिद मेओ और अली हैदर चांग, वकील मल्ला की तरफ से खेल रहे हैं अंसर कुरैशी और लाला शब्बीर पठान। आरिफ स्ट्राइक पर है मौजूद, सामने बॉलर है वाजिद मेओ, एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार, अंपायर को किया क्रॉस, स्लो गेंद शॉट खेलने गए थे इसमें रहना काम, बीट कर गए और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अख्तर अली सलामत, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वाजिद मेओ एक मरतबा फिर सामने है आरिफ, स्ट्राइक पर है आरिफ, एक मरतबा फिर अंपायर को किया क्रॉस, शॉट पिच गेंद जिसको उठाकर खेला है ऑफ स्टंप पर, फील्डर दौड़ते हुए के सर्कल वाले फील्डर, 1 रन मुकम्मल की, दूसरी की है कॉल, दूसरी भी यहां पर मुकम्मल कर लिए। ममताज बाबर कहते हैं भाई ये कहां मैच हो रहा है भाई, ये मैच हो रहा है हैदराबाद सिंध का गांव है उस्मान शाह, 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 20 पे, 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 20 पे, 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 20 पे 1 विकेट के नुकसान पर। वकील मल्ला सिकंदर अली गोपांग टारगेट कितना टारगेट भाई, टारगेट 184 का यार, नहीं बना उनके करा सर रहमान इतवान बला बारा, इतवान मेरे पास रहे बारा बारा इतवान सिल जाए था बारा, अरे यो करे यार मेरे पीछे बारा था, मेरे पीछे बारा बॉल लगे सी से ना, मेरे पीछे बंदा यार यो करे यार यो करे, अरे पीछे बना नहीं बना यार, सोयल कर बला इनो तंग तो नहीं जा, तंग को नहीं जाना केंदी नहीं हिलदा, तीसरे ओवर की सर्कल के तीसरे ओवर की जिम्मेवारी दी है तारिक के हाथों में।
तारिक है बॉलर, सामने स्ट्राइक पर है अंसर कुरैशी। अपने कोटा का पहला और इनिंग का करेंगे तीसरा ओवर। सामने अंजर शॉट खेलने गए थे, यहाँ पर बीट कर गए और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। उस्मानी किंग कौन सी जगह चल रहा है भाई, हैदराबाद सिंध का गांव है उस्मान शाह। फिर से उठा कर खेला है स्टड पे, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। अख्तर अली वकील मल्ला मेरा भाई है, ओके भाई हमारा भी भाई है। तारिक एक मरवा पहले स्ट्राइक पर है, फिर से उठाकर खेला है, गेंद है हवा में, फील्डर है दो गेंद के नीचे, देखते हैं कैच करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और यहां पर कैच को कर दिया है यू ड्रॉप, अंसर कुरैशी को मिली है यहां पर चांस, नया जीवन दान मिला है अंसर कुरैशी को। काफी खतरनाक है बल्लेबाज अंसर कुरैशी, अगर ये 3 से 4 ओवर अगर टिक जाते हैं ये क्रीज पर तो मैच का नक्शा बदल सकते हैं भाई। एक मरतबा फिर सामने है आरिफ, अंपायर को क्या क्लास, उठाकर खेला है, गेंद है हवा में, फील्डर है अली हैदर चांग, नहीं करेंगे जी कोई गलती, अली हैदर चांग नहीं करेंगे भाई, जाना होगा आरिफ को भी वापस पवेलियन। दूसरा नुकसान हुआ यहाँ पर वकील मल्ला को आरिफ की सूरत में। आमिर शेख कहते हैं आरिफ को मेरा सलाम दो, मैंने साथ ही क्रिकेट खेली है आरिफ। ये भाई आरिफ आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं भाई। तलली वकील मला मेरा भाई है, नए आने वाले बल्लेबाज हैं लाला शब्बीर पठान, लाला शब्बीर पठान है नए आने वाले बल्लेबाज। बॉलर है तारिक, स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद हैं अंसर कुरैशी, 184 का है टारगेट 10 ओवर्स में। पर को क्रॉस किया लगें थी लेग सबसे काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला यहां पर वाइड बॉल। तालिब हुसैन मियां राजपूत कहते हैं कितने का टारगेट है भाई, टारगेट है भाई 184 का। तारिक एक मरवा फिर स्ट्राइक पर हैं अंसर कुरैशी, अंपायर को क्रॉस किया, उठाकर खेला है इस मरवा स्टड पे, गेंद गई है स्टेडियम के ही बाहर 6 रन के लिए। तारिक एक मरवा फिर अंसर कुरैशी स्ट्राइक पर, दौड़ते हुए अंपायर को किया क्रॉस, स्लो ओवर गेंद थी, हाफ स्टंप से गेंद थी पर बीच कर गए और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 34 पे। तीन ओवर के इख्तिताम पर सर्किल के तीनों ओवर हो चुके हैं कंप्लीट, तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 34 पे। 10 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 44 पे, 3 विकेट के नुकसान पे वकील मला। तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 34 पे। अरे शानवाज जबरदस्त टूर्नामेंट आए जियो जोर बिरादर, थैंक यू सो मच दिल डायरी शानवाज। भाई आज गर्मी भी बहुत है, हम खुद थक गए हैं भाई। चौथे ओवर की जिम्मेवारी दी है नवाज के हाथों में, लाला शब्बीर पठान है स्ट्राइक पर। अली नवाज है बॉलर, सामने स्ट्राइक पर हैं और लाला शब्बीर पठान। अली नवाज पालिंग बिल्कुल तैयार है, सामने है पठान, अंपायर को क्रॉस किया, लेग सबसे काफी बाहर थी गेंद और यहाँ पर रन आउट होने का यहाँ पर था खतरा, अगर लग जाती डायरेक्ट थ्रो तो चांस बन सकते थे। 1 रन से चुरा ली है बाय की वाइड के साथ। आमिर शेख राशिद मल्लाह कौन सी टीम में खेल रहा है भाई, राशिद भी इसी टीम में खेला है।
चैंपियन ट्रॉफी 2021 का 18वां मुकाबला, बहुत बड़ा इवेंट। ऑर्गेनाइजर नईमा साहब सर, जी कह रहे हो साई साई केड़े हाल ने सब कह रहे अल्लाह अल्लाह दे सन साई सोलिया दुआई ने जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास लगे पे जी मैं कंबल अली का पुत्र अच्छा चलो अज मैं पूछा करा घर पहुंचा मैं पूछा करा नया सर जी अच्छा मोबाइल पे हाँ साइड वाले खीसे विच सो मैं खबर पाई कान कही ठीक है साईं ठीक है सर ले को कम कार हो जे हुकुम करो ठीक है साईं ठीक है बढ़िया मेहरबानी साईं तुसा दिया साईं नंबर मेरा लग सी 24 कलाक मेरा नंबर दुही नंबर मेरे खुलल होने नो ठीक है सर बस थोड़ा मेरे पास वाले किसे रखेला मोबाइल को खबर पई कर कई मैं उठता था रिटर्न काला लगे पेन सो जा ना 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 री गल का नहीं कर असल में खबर ही कर पई को काला आए ना अच्छा चलो ठीक सर साईं बढ़िया मेहरबानी मैं नंबर 16 सेव कर छोड़ने आज मेहरबानी पहरी शानवाज स्पेशली असा इंदासी मैच दिसन फ्राम गोलाची वेलकम अदा वेलकम शानवाज भा वेलकम हल्या चो 24 कलाक तांजे ला दरवाजा खुलिया पेन हल्या चो सैयद फरान अली शाह सलाम या अली मदद भा वालेकुम सलाम मौला अली मदद वालेकुम सलाम सैयद फरहान अली शाह भा तहां किथा का शायद मुझे ख्याल में तहां काजी अहमद खायो क्या दई ओ धनी देकर सिकंदर गोपांग क्या थी गया था मेरे ख्याल से कहीं प्लेयर ते को बहस बहाल दा है एकड़ा दने ने टीम दा एकड़ा दने ने टीम दा कोनी को वधिक देखी खबर पवे अब्दुल अजीज अदा क्या हुआ भाई ये हुआ है कि फेक प्लेयर पे है एतराज प्लेयर पे एतराज लगा दे पहले बाल ते बालर को पहले बाल ते छक्का लगाए डबडा क्या है नाला के बालर दा अली नवाज के खड़ा है बैटिंग दे खड़ा आ जा ओडी मेरा इतराज है ना मेरा इतराज है अच्छा बॉलिंग दे इतराज बट्टा ही गया अच्छा सर फरान अली शाह हैदराबाद से जानी बा ओके बा थैंक यू
इस बॉलर पे है एतराज, बैट्समैन ने एतराज किया है कि ये बट्टा बॉलर है, एक्शन कुछ ऐसा है थोड़ा। चौथा ओवर है जारी, सामने है अंसार कुरैशी, एक मरतबा फिर अंपायर को किया क्रॉस, लेग स्टंप से काफी बाहर थी, गेंदा पर का इशारा मिला है यहाँ पर, वाइड बॉल। एक मतलब फिर सामने है अंसार कुरैशी, अंपायर को किया है क्रॉस, फुल टॉस गेंद जिसको उठाकर खेला है, गेंद हवा में, फील्डर है दो गेंद के नीचे और यह पक कर दिया है जी कैच, हो जाना होगा जी अंसार कुरैशी को इस मरतबा, अंसार कुरैशी की इनिंग का हुआ यहाँ पर खात्मा। जिसके लिए राइट है कप्तान, वो काम कर दिखाया, कैच ड्रॉप हुआ था, अंसार को जाना होगा प्रॉब्लम। ये टीम भी हैदराबाद की है ना, मेरे ख्याल से हैदराबाद की नहीं है भाई, तीसरा नुकसान हुआ है वकील मल्ला को अंसार कुरैशी की सूरत में, सद्दाम मल्ला बेटा बॉलिंग है उस पे एतराज है जी भाई, बिल्कुल सद्दाम भाई बिल्कुल उन्हें बॉलिंग पे एतराज हो। अब कोई करिश्मा ही जो हो कोई तो जो वकील मल्ला को जितवा सकता है, वरना वकील मल्ला के हाथों से मैच ये निकल चुका है। नवाज है बॉलर, एक मिनट फिर से शॉट खेला, ड्राइव कर दिया स्टेट पे, फील्डर है मौजूद, ग्राउंड शॉट है, सिर्फ एक रन की है कॉल, नाला बुदाई नया आने वाले बल्लेबाज हैं अजब गुल, अंपायर को किया क्रॉस, फुल टॉस गेंदी, यहाँ डिलीवरी थी यहाँ पर, सिर्फ एक रन से मिलेगी, रन आउट का है या चांस, लेकिन उसमें रहना काम, एक रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। सिकंदर अली गोपांग धमाच बट्टा है जी भाई, वो एतराज किया था बैट्समैन ने लेकिन उसको अलाउ किया गया है। सैयद अयाज शाह स्कोर बुधा भाई, स्कोर बुधने में स्कोर बुधने थोड़ा रुका, बैठ कर ओवर खत्म दिया, अली नवाज है बॉलर, सामने है लाला शब्बीर, अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद जिसको उठाकर खेला है, फील्डर है डीप पे, सिर्फ एक रन सी की है कॉल, गुलाम रजा मंसी जियो आवाज और रिजल्ट का भाई बताते जाएं और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते जाएं। लिनवास एक मरबा पैर सामने है, जब गोल अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला है यहाँ पर, वाइड बॉल लग रहा है, बॉल लेकर अब्दुल सत्तार सिंधी विच कमेंट्री करा था, सिंधी विच नहीं से कर सकते कि जो था घने देखने वाले उधन वाले उर्दू ची करनी पौनी है कमेंट्री। अली नवाज एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर है, लाला शबीर पठान अंपायर को किया क्रॉस, शॉट भी गेंद जिसको खेल दिया है, फिलक कर दिया यहाँ पर, लेग थर्ड मैन पे और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के उस पार, चार रन के लिए। अब्दुल सत्तार सिंधी विच निसे कमेंट्री कर सकते, घने देखने वाले घने आने वाले बुधन वाले सब होने उर्दू नहीं करे, उर्दू विच करनी पड़ी है। चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 52 पे, चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 52 पे, तीन विकेट के नुकसान पर वकील मल्ला। चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 52 पे, ये मैच यहीं को बंद करें हैं अभी, गर्मी यार ही नहीं। पांचवे ओवर की जिम्मेवारी दी है अली हैदर चांग के हाथों में, अपने कोटा का दूसरा और इनिंग का करवाएंगे पांचवा नंबर। अली को लाए कप्तान, मान लीजिए थी पापा तो जीत गया, मेरे पीछे पड़ना था। अली हैदर चांग है बॉलर, स्ट्राइक पर है
अजब गुलाम पर को क्या क्रॉस, क्या बॉलिंग है यार, क्या बॉलिंग है। 116 बॉलर है अली हैदर चांग, इसको खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। माइटोस जी ये बिल्कुल सिकंदर अली गोपांग बॉलर बता है यार, इस पे पाबंद होना चाहिए भाई, भी क्या कर सकते हैं। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर भी इसको अलाउ किया कर रहे हैं, अब हमारा हम नहीं रोक सकते उसको भाई। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, इसको खेल लिया लेग स्टंप पर, एक रन सीखी है कॉल, फील्डर है मौजूद, सिर्फ एक रन सीखी है कॉल। दूसरी इनिंग का पांचवा ओवर है जारी, बॉलर है अली हैदर चांग और स्ट्राइक पर हैं अजब गुल, अंपायर को किया करार, बेहतरीन बॉल बेहतरीन डिलीवरी सीधा गई कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अली हैदर चांग एक मरवा फिर स्ट्राइक पर हैं अजब गुल, दौड़ते हुए अंपायर को किया क्रॉस, एक मतलब फिर से गेंद को डॉट कर दिया, बेहतरीन बॉलिंग, क्या बॉलिंग करा रहे हैं आज अली हैदर चांग। अब्दुल अजीज अदा वाजिद को सलाम दो, एक भाई मैं सलाम देता हूँ अली हैदर बाला सामने है, अजब गुल है, खेलना चाहते थे लेकिन इसमें रहना काम, गेंद लगी जिसम पर, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। बाबा वाजिद अब्दुल अजीज सलाम बने बा सलाम ली चलिया सी ताजा, अली हैदर चांग एक मरवा फिर अजब गुल है स्ट्राइक पर, एक मरवा फिर अंपायर को किया क्रॉस, फुल टॉस गेंद थी इसको खेल दिया है, फील्डर है मौजूद और यहां पर कैच को कर दिया है जी ड्रॉप, कैच को कर दिया है जहां पे ड्रॉप। आमिर शेख मुमताज बाबर इसमें हमारी टीम खेल रही है, वकील मल्लाह की टीम के खिलाफ भी मैच खेलवा हूँ, ये टूर्नामेंट है हैदराबाद के गांव उस्मान शाह में जी भाई बिल्कुल। माइट फाइनल कदा थी जिम्मे फाइनल थी आप डेट छोड़े सो अंपायर को किया क्रॉस, हमने अजब गोल शॉट खेला स्टेट पे, खेल दिया स्टेट पे, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रन के लिए। अब्दुल अजीज मीरपुर का खास क्रिकेट के एक मतबा फिर अंपायर को किया क्रॉस, हमने अजब गोल एक मतलब फिर से उठा कर खेला स्टेट पे, गेंद गई है बहुत ही दूर, गेंद को भेज दिया जी 6 रन के लिए, बैक टू बैक सिक्सेस। एक मिनट फिर से उठा कर खेला है 36 ऑफ द ओवर 3 in a row अजब गुल यो ब्यूटी, तीसरा मैक्सिमम निकला यहाँ पर अजब गुल के बल्ले से। बॉलर कहा खबर का नहीं तारिक, एक मरवा फिर सामने है जब गोल, फिर से ड्राइव कर दिया, फील्डर है मौजूद सर्कल के अंदर, यहाँ पर रन आउट का है यहाँ पर चांस लेकिन इसमें रहना काम, फील्डर अली हैदर चांग की थी सुस्ती। बॉलर है तारिक, स्ट्राइक पर हैं लाला शबीर पठान, एक मरवा फिर अंपायर को किया क्रॉस, फिर से उठा करके लाला शबीर पठान ने, इस मरतबा लाला शबीर पठान के बल्ले से निकलता हुआ मैक्सिमम, चौथा मैक्सिमम निकला है इस ओवर में तारिक के ओवर में से। 5 गेंदों पर 4 मैक्सिमम लगे हैं तारिक को। तारिक एक मरवा फिर लाला शबीर पठान ने स्ट्राइक पर, एक मरवा फिर अंपायर को किया क्रॉस, लेग स्टंप पे काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला यहां पर वाइड बॉल। अब्दुल अजीज अदावाज को
वाजिद से नंबर ले ला तारिक एक मरवा फिर सामने है लाला शबीर पठान अंपायर को किया क्रॉस फुल टॉस गेंद थी ऑफ लेग स्टंप पर अंपायर का इशारा यहां पर मिला है नो बॉल फ्री हिट मिली है यहां पर लाला शबीर पठान को मिली है फ्री हिट अयाज अली ये टीम कहां से है बैटिंग वाली भाई ये भी लोकल टीम है वकील मला की तारिक एक मरवा फिर स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान अंपायर को किया क्रॉस शॉट का ड्राइव कर दिया स्टंप पे फील्डर है मौजूद बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए सिर्फ एक रन सी की कॉल थी ट्रिपल ए सलीम अंजर आउट हो गया क्या सलाम अंजर आउट हो गया नहीं भाई अंजर अभी तक आया ही नहीं है छह ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 83 पे 6 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 83 पे 3 विकेट के नुकसान पर सदर सियाल हाय टू यू 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 83 पे निजाम लिगारी मैच रिजल्ट 6 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 83 पे 24 गेंदों पे चाहिए अभी 100 रन अभी भी चाहिए 24 गेंदों पर चाहिए 100 रन सातवें ओवर की जिम्मेवारी दी है वाजिद मेओ के हाथ में अपने कोटा का दूसरा और इनिंग का कराएंगे सातवां ओवर स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान बच गई थी कमाल की बल्लेबाजी वाजिद मेओ अंपायर को किया इकरार स्लो ओवर गेंद थी सीधा जिस्म पर लगी किसी रन का कोई इजाफा नहीं अयाज अली आरिफ लिगारी वाली टीम है क्या जी भाई आरिफ लिगारी वाली टीम है अब्दुल अजीज आउट हो गया भाई नहीं भाई आउट नहीं हुआ वाजिद मेओ एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान अंपायर को किया क्रॉस स्लो ओवर गेंद थी बीच कर गए और गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में किसी रन का कोई इजाफा नहीं इक्कीस गेंदों पर चाहिए 99 स्कोर वकील मलाह को यह मैच जीतने के लिए वाजिद मेओ एक मरवा फिर सामने है स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान एक बार फिर उठाकर खेला स्ट्रेट पे गेंद को दे दिया है जी 6 रन के लिए अब 93 रन अभी भी चाहिए 93 रन अभी भी चाहिए वकील मला को यह मैच जीतने के लिए 20 गेंदों पर वाजिद में एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान एक मरतबा फिर अंपायर को किया खेला स्लो ओवर गेंद इसको खेल दिया है थर्ड मैन पे फील्डर दौड़ते हुए एक रन कंप्लीट की दूसरी की है कॉल यहां पर दूसरी भी यहां पर कंप्लीट कर दी है दोनों बल्लेबाजों ने तैमूर अली सलाम वालेकुम सलाम तैमूर भाई वालेकुम सलाम वाजिद मेओ स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान एक मरवा फिर पालिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए स्ट्राइक पर है लाला शबीर पठान दौड़ते हुए आए अंपायर को किया है क्रॉस स्लो ओवर गेंद जिसको उठाकर खेल दिया इस मतबा लेग स्टंप पर और गेंद को भेज दिया जी 6 रन के लिए दूसरा मैक्सिमम निकला है लाला शबीर के बल्ले से वाजिद मेओ एक मरतबा पर स्ट्राइक पर है लाला शबीर क्रॉस किया स्लो ओवर गेंद थी जिसको समझ भी ही ना पाए लाला शबीर और क्लीन बोल्ड कर दिया दो मैक्सिमम जरूर लगे वाजिद मेओ को उसके बाद अच्छी वापसी की वाजिद मेओ ने और चलता किया लाला शबीर पठान को वापस पवेलियन 7 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है सात ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 97 पे स्कोर है 97 आज मेरा छोटा बेटा भी अब्दुल रहमान जोर भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि वो भी मैच से लुत्फंदोज हो रहे हैं और मैच को देख रहे हैं अब्दुल रहमान बलोच मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपने स्टूडियो में
आज उसने भी जिद की कि मैं भी चलूंगा अबू आपके साथ। मैंने कहा भाई चलो आप भी। नए आने वाले बल्लेबाज हैं राशिद मल्ला। शहरयार है बॉलर, आठवें ओवर की जिम्मेवारी दी है शहरयार के हाथों में। सामने स्ट्राइक पर है अजब गुल, 18 गेंदों पर 86 स्कोर चाहिए। अंपायर को किया क्रॉस, यहाँ पर बोल्ड कर दिया थे पहली ही गेंद पर। अजब गुल को चलता किया वापस पवेलियन शहरयार ने। पहली ही गेंद पर अजब गुल को क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन रवाना कर दिया। आठवां ओवर है जारी, 184 का है टारगेट 10 ओवर्स में। चैंपियन ट्रॉफी 2021 उस्मान शाह की सरजमीन पर, मुकाबला नंबर है 18। फाइटर 11 और उसके सामने है वकील मनाज। फाइटर 11 ने टॉस जीतकर पहले किया बल्लेबाजी का फैसला। अपने मुकर्रर 10 ओवर्स में 183 स्कोर किया और 184 का दिया है टारगेट वकील मल्ला को। अमजद अली गुप्ती, सलाम भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम भाई, आप सुनो आप कैसे हो? नए आने वाले बल्लेबाज हैं वकील मल्ला, शहरयार है बॉलर। अंपायर को किया क्रॉस यहां पर और इसको भी वकील मल्ला को भी दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वकील मल्ला को भी चलता किया वापस पवेलियन। उसके साथ ही हैट्रिक की है चांस अब शहरयार के लिए। अब देखते हैं कि हैट्रिक करने में कामयाब हो सकती है या नहीं। शहरयार को है हैट्रिक की चांस मिली है, अब देखते हैं हैट्रिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब 16 गेंदों पर 86 चाहिए। नहीं आने वाले बल्लेबाज हैं आमिर। शहरयार है बॉलर, आमिर है बल्लेबाज। हैट्रिक बॉल है, हैट्रिक की है चांस शहरयार के लिए। स्ट्राइक पर है, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद। अंपायर का इशारा मिला है यहाँ पर, वाइड बॉल। बरकरार है हैट्रिक शहरयार की। हैट्रिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। फिर से उठा कर खेला है ट्रिक बॉल थी, जिसको उठा कर खेला है पहली गेंद पर, भेज दिया है जी 6 रन के लिए। शहरयार एक मतबा फिर आमिर है स्ट्राइक पर, अंपायर को किया क्रॉस, लेग स्टंप पे गेंद थी जिसको गेंद को भेज दिया थर्ड मैन पे 4 रन के लिए। पहला चौका निकला है हर्फ के बल्ले से। अब्दुल अजीज अदा वाजिद को सलाम से बात करके सारा नंबर अब्दुल अजीज, ओके भाई मैं नंबर देता हूँ आपको। शहरयार एक मरवा फिर, आरिफ है स्ट्राइक पर है, आमिर है स्ट्राइक पर, एक मरवा फिर अंपायर को किया क्रॉस, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको खेलना चाहते थे, गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अब्दुल अजीज नंबर मुकरे थी, नंबर मुझे दीजिए उसे कॉल करें। शहरयार एक मरवा फिर, सामने आमिर उठा कर खेला है स्टड पे, गेंद को भेज दिया है जी 6 रन के लिए। आमिर यू ब्यूटी, 2 मैक्सिमम ओवर से और 1 लगा चौका। अब्दुल अजीज भाई अपना नंबर कमेंट्स कर दो यहाँ पर, जोन का नंबर कर दिया है भाई, कमेंट्स कर दिया है नंबर चार 03119060278 भाई। ये थे हमारे प्यारे भाई नूर मोहम्मद नूनारी। पहला मुकाबला है वकील मलाज चैंपियन ट्रॉफी 2021 में, आपके पास मौका और भी है। मोहम्मद अमीन राय मुगैद, कहाँ है ये मैच भाई? ये है मैच हैदराबाद, इनका गांव है उस्मान शाह। कमाल की परफॉर्मेंस आज का दिन रहा फाइटर 11 के नाम। ये बालाजी नाले खबर है रन आउट का था चांस, लेकिन नाइन्थ ओवर लेकर आए नवाज, स्ट्राइक पर हैं आमिर। नाइन्थ ओवर लेकर आए अली नवाज धमाच और स्ट्राइक पर हैं।
अली नवाज एक मरतबा फिर सामने है आमिर, अंपायर को किया क्रॉस, शॉट खेलने गए थे, अच्छी गेंद की है, अच्छी डिलीवरी है, रन आउट का यहां पर है नाने सेक पे चांस लेकर, डायरेक्ट थ्रो लगती तो चांस बन सकते थे रन आउट के, पर एक रन के लिए बाइक की एक्स्ट्रा की चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अली नवाज एक मरतबा फिर राशिद है स्ट्राइक पर, लेग स्टंप पे काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा मिला यहाँ पर वाइड बॉल, जुनैद खान कितना चाहिए भाई अभी स्कोर तो बहुत चाहिए, मोहम्मद अमीन रहीमो जबरदस्त अभी बहुत चाहिए, तकरीबन कोई 75-80 चाहिए तकरीबन 9-10 गेंदों पे। बॉल एक मरतबा फिर दौड़ते हुए अंपायर को किया क्रॉस, फिर से उठा कर खेला है लेग स्टंप पर और गेंद को भेज दिया है जी 6 रन के लिए। अली नवाज एक मरतबा फिर अंपायर को किया गिरा, ऑफ स्टंप पे बात गेंद, गेंद गई सीधा कीपर के ग्लव्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं के हमारे यहाँ अली नवाज एक मरतबा फिर अंपायर को किया क्रॉस, लेग स्टंप से काफी बाहर दी गेंद, इस मरतबा अंपायर का इशारा मिलेगा वाइड बॉल, आमिर शेख राशिद को मेरा सलाम देना प्लीज। ओके आमिर शेख भाई मोकल थे मुजम पूरी सिंध मां जके खपने से वठिए जो अची मैदान करियो जुती पाकड़ रमा जुती पाकड़ अली नवाज दमाज एक मरवा पर स्ट्राइक बने शॉट गला है ग्राउंड शॉट है सिर्फ एक रन की कॉल है एक रन मुकम्मल की है सिर्फ एक रन की कॉल थी पूरा सिंध वाला होगा इस ग्राउंड मैच में नहीं हुआ जी मजा मैच हो गया जी वन साइड टारगेट था 184 का इसको वन साइड कर दिया फाइटर 11 ने आमिर स्ट्राइक पर बॉलर है नवाज फुल टॉस गेंद थी इसको खेलना चाहते थे जिसमें रहे नाकाम और सिर्फ एक ही रन मिलेगी नौ ओवर के इख्तिताम पर समाप्त चलते हैं नौ ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 127 पे 126 नौ ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 126 शहरयार ने बॉलर सामने स्ट्राइक पर है आमिर लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद अंपायर का इशारा मिला यहां पर वाइड बॉल लास्ट ओवर है जारी अपने राशिद अपने कोटा का दूसरा और इनिंग का करा रहे हैं 10th ओवर स्ट्राइक पर हैं आमिर पर वो क्रॉस किया ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद अंपायर का यहां पर इशारा मिला देखना पड़ेगा और गेंद गई है बाय 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए पर का इशारा है सिर्फ बाय की है 4 रन ओवर कितने हैं भाई ओवर है भाई 10 ये लास्ट ओवर चल रहा है अयाज अली शहरयार ने बॉलर स्ट्राइक पर हैं आमिर एक मरवा फिर अंपायर को किया क्रॉस स्लोवर गेंद थी साथ ही संपर्क लगी सिर्फ एक रन सी मिलेगी तो बाइक लेग बाइक की आमिर शेख के वाट शॉट अगर राशिद ने 50 की तो आज रात मैं राशिद की दावत करूंगा भाई अभी आखिरी ओवर के देखो 5-4 या 5 गेंदे हैं अभी शहर यार है बॉलर एक मतलब फिर अंपायर को किया क्रॉस शॉर्ट पिच गेंद थी एज निकली और गेंद बस कीपर से थोड़ा गिर गए और कैच को यहाँ पर कर दिया ड्रॉप किसी रन का कोई इजाफा नहीं आखिरी ओवर है जारी इसके बाद एक और होगा मैच फाइटर 11 और मीर 11 टंडोजाम का देखना ना भूलिएगा एक मरा फिर अंपायर को क्या क्रॉस और शॉट खेल दिया है स्ट्रेट पे एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा फाइटर 11 की पूरी टीम को पहला मुकाबला जीत करने पे
एक मरा फिर से उठाकर खेला है, गेंद हवा में, फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन जज नहीं कर पाएंगे और कैच को यहां पर कर दिया है जी ड्रॉप। आखिरी ओवर है जारी, देखना ना भूलिएगा, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, इसके बाद एक और है मैच। फिर उठाकर खेला स्टेट पे और गेंद को भेज दिया है जी 6 रन के लिए। इसके साथ ही फाइटर 11 हुई है कामयाब पहले मैच में, और इसके बाद होगा दूसरा मैच, वो भी है फाइटर 11 का, मीर 11 टंडो जाम के साथ। बहुत ही बड़ा होगा टकरा, कहीं जाइएगा मत, देखना ना भूलिएगा। थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिएगा अपने भाई अरशद हुसैन जोर को इजाजत, अल्लाह ने कहबान।